हरियाणा में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है, ताजा हालात पर अगर एक नजर डालते हैं तो हरियाणा में ब्लैक फंगस का खतरा काफी ज्यादा बढ़ रहा है। प्रदेश में अब तक 756 ब्लैक फंगस के केसेस हैं। ब्लैक फंगस से 58 मरीज ठीक हुए हैं। 648 मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। 515 मरीजों के लिए 975 इंजेक्शन को मंजूरी मिली है। गुरुग्राम में अब तक 216 ब्लैक फंगस के मरीज हैं। हिसार में 179 और रोहतक में 145 मरीज। तो आपको बता दें कि अंबाला में 7, भिवानी में 9, फरीदाबाद में 48, फतेहाबाद में 12, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 216, हिसार में 179, झज्जर में 13, करनाल में 27, नूह में 14, पानीपत में 34 मामले ब्लैक फंगस के, रोहतक में 145 और सिरसा में 39 ब्लैक फंगस के मामले। रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रेवाड़ी में फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं सुरेंद्र, वहां पर ब्लैक फंगस मामलों के? जी अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर रेवाड़ी की बात करें तो अभी तक जो है 20 मामले यहां संदिग्ध जो है ब्लैक फंगस के देखने को मिले हैं, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। अगर बात करें तो एक सप्ताह से लगातार ऐसा कोई ही दिन जा रहा होगा जो ब्लैक फंगस की जो बीमारी से पीड़ित यहाँ ना मिल रहे हो। अगर बात करें तो यहाँ इलाज की, तो अभी तक यहाँ इलाज शुरू नहीं हो पाया है। सभी मरीजों को जो संदिग्ध मरीज थे उनको सबको जो विभिन्न जिलों के जो मेडिकल कॉलेज है वहां उनको भेजा गया है। और आपको ये बताना चाहूंगा कि एक जो है आज पीजीआई रोहतक में एक शख्स की मौत भी हो गई है, उसको 48 घंटे पहले ही पीजीआई रोहतक में यहां से रेफर किया गया था, उसकी आज मौत हो गई है। अगर बात करें प्रशासन की, प्रशासन को मजेदार बात यह है, प्रशासन को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि जिले में कितने ब्लैक फंगस के मरीज पॉजिटिव हैं, सभी को कितने जो संदिग्ध हैं वो पॉजिटिव कितने हैं, इनको अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। जी सुरेंद्र, फिलहाल अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से वैसे ही कई मरीज जो है अस्पताल पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ अब ब्लैक फंगस का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इसके इलाज के लिए जो इंजेक्शन इस्तेमाल होता है उसकी भी कमी अस्पतालों में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले अगर कोरोना की बात करें तो लगातार यहाँ अब जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। अगर बीते दिन की बात करें तो यहाँ 95 जो मरीज यहाँ देखने को मिले संक्रमित मरीज थे वो 95 थे। ये पहला काफी दिनों से ये लगातार 200 या 300 के आसपास जो आंकड़ा था वो था, लेकिन बीते दिन है 95 यहाँ मिले। अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो यहाँ सभी इस तरह का कोई भी अस्पताल है वो यहाँ इलाज नहीं कर रहा, सभी जो संदिग्ध मरीजों को विभिन्न जिलों के अस्पतालों में यहाँ से भेजा जा रहा है, वही इनका इलाज हो रहा है। जी सुरेंद्र, क्योंकि अभी फिलहाल लगातार ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं और खासकर उन लोगों में जो कि कोरोना से ठीक हुए हैं, जाहिर तौर पर ऐसे ये पोस्ट कोविड ऐसे रिफ्लेक्ट हैं जो कि देखने को मिलते हैं उन मरीजों में जिन्हें कोरोना हुआ है। और पवन हमारे साथ इस बीच जुड़ गए, पवन सिवर फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्योंकि कोरोना से अभी लोग ठीक हो रहे हैं लेकिन ब्लैक फंगस का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है, अगर हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम और हिसार में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हरियाणा में जो ब्लैक फंगस के मामले हैं उनकी संख्या 756 है और जिनमें से 648 का इलाज जो है वो चल रहा है। प्रदेश में 58 मरीज जो है वो पूरी तरह से जो ब्लैक फंगस प्रभावित थे, ग्रस्त थे, वो ठीक भी हुए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस का संक्रमण जो है वो ज्यादा हरियाणा में बढ़ा है। खासतौर पर गुरुग्राम और हिसार में जो मामले हैं वो ज्यादा सामने आए हैं। हालांकि इसकी जो वैक्सीन है उसको लेकर और जो इसके लिए दवा है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है वो हरियाणा का काम में लगा हुआ है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ये कहना है कि पूरी तरह से इसके ऊपर एक टीम बनाकर जो है वो काम किया जा रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस के जो मामले हरियाणा में बढ़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंताजनक स्थिति जरूर है। जाहिर तौर पर अस्पतालों की व्यवस्था यहाँ पर है और क्योंकि इंजेक्शन की भी कमी देखने को मिल रही है सुरेंद्र, फिलहाल जाहिर तौर पर स्थिति यहाँ पर यही है कि कोरोना से बच रहे हैं तो ब्लैक फंगस का खतरा और ब्लैक फंगस के साथ साथ अब अन्य बीमारियां जो है वो भी निकल कर सामने आ रही है। प्रशासन कितना अलर्ट है इसे लेकर?
जी अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का कहना है कि वो पूरी तरीके से अलर्ट है। अगर बात करें इलाज की तो अभी तक यहाँ इलाज शुरू नहीं हो पाया है। अगर जो डॉक्टरों की जो IMA है उन्होंने जरूर DC से अपील की है कि वो तैयार हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए, पूरी जो सुविधाएं उनके पास है तो उनको अनुमति दी जाए अब वो इलाज कर सके, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं मिली है कि वो इलाज कर सके। ऐसे में सभी संदिग्ध जितने भी संदिग्ध है उसको यहाँ से जो है विभिन्न अस्पतालों में यहाँ से भेजा जा रहा है। मजेदार बात अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन को यहाँ तक नहीं पता लगा अभी तक अब कितने जो अब संदिग्ध है वो ब्लैक फंगस बीमारी से पीड़ित है। अगर बात करें तो प्रशासन को इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अगर मृतक की बात करें तो मौत की भी तो ये भी उसको 2 दिन बाद ही पता लग पाया है आखिर जो है एक शख्स की मौत होगी। तो प्रशासन ने एक तरीके से पल्ला झाड़ रखा है कि यहाँ से जितने भी जो संदिग्ध है उनको यहाँ से रेफर कर दिया जाए, उसके बाद उनको कुछ भी नहीं पता होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, स्वास्थ्य मंत्री की आपने बात की है क्योंकि इससे पहले भी जिक्र आया था, स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जानकारी दी थी कि हमने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जो इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट केंद्र सरकार को भेजी है और जल्द ही इसको उपलब्ध करवाया जाएगा, अस्पतालों में इसकी उपलब्धता बढ़ेगी। ये रिक्वायरमेंट कब तक फुलफिल हो पाएगी, ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए हाल ही में हरियाणा सरकार ने ये भी नीति बनाई थी कि जो सरकार केंद्र सरकार से जो दवा मिलती है उसके बजाय हरियाणा का जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी एक अलग से खरीद जो है कर सके, इसको लेकर जो है वो सरकार स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी की थी। उसके चलते हरियाणा के जो गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज है उनका ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी उनको दवा उपलब्ध हो, इसको लेकर वो प्रयासरत है। हालांकि फिलहाल जो है वो अभी तक दवा उतनी जितनी जरूरत है उतनी उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन सरकार उसके लिए, स्वास्थ्य विभाग उसके लिए प्रयास जरूर कर रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका, सुरेंद्र गौड़ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना महामारी के बीच अब ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। इस बीमारी से 50% लोगों की जान यहाँ पर जो 50% से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। नू के राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नलहड़ में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें कि अब तक ब्लैक फंगस के करीब 25 जो मरीज हैं वो भर्ती हो चुके हैं। डिप्टी सिविल सर्जन एवं जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर विजयपाल ने बताया कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर इससे निपटने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर करनी शुरू कर दी गई हैं।